हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर टू। आई एम कंचन गुप्ता वेलकमिंग यू फॉर टुडेज सेशन। सो टुडेज टॉपिक इज क्विक डिस्कशन ऑन ग्राउंडेड थ्योरी एंड दिस इज़ वन ऑफ थ्योरी फ्रॉम द क्वालिटेटिव रिसर्च, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले की जो वीडियोस हैं जिसमें हमने फिनोमिनोलॉजी एंड अनदर इज एथनोग्राफी, इन सब के बारे में बात की, नरेटिव रिसर्च। सो आज का जो टॉपिक है, जो आज की एक और अनदर जो क्वालिटेटिव थ्योरी है, दैट इज़ द ग्राउंडेड थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं उसके बारे में, एंड लेट्स डिसाइड द पेन जस्ट दिस। Grounded theory, it's a bottom-up approach, and that is the inductive approach, right? That is the inductive approach. Inductive का आप ऐसे DSG यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म होती है स्पेसिफिक। इंडक्टिव जो है स्पेसिफिक टू जनरल जाता है, राइट? स्पेसिफिक टू जनरल जाता है, एंड डिडक्टिव इज DGS यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक। तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। टू सोशियोलॉजिस्ट हैं, बार्ने जी ग्लेसर एंड एनसेलम एल स्ट्रॉस, राइट? तो ये ग्लेसर यहाँ से लिया गया है एंड स्ट्रॉस यहाँ से, यानी कि टू पर्सनालिटीज़ हैं। टू सोशियोलॉजिस्ट हैं हु डेवलप्ड ग्राउंडेड थ्योरी इन द लेट 1960s। ग्लेसर एंड स्ट्रॉस डेवलप्ड अ पाइनियरिंग बुक उन्होंने लिखी थी ऑन ए ग्राउंडेड थ्योरी, दैट इज कॉल्ड द डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी 1967। अब इनकी डेफिनेशन है, इन्होंने स्ट्रॉस एंड कॉर्बिन ने दी है, एंड दिस इज़ द गिवन बाय द ग्लेसर। उनके अकॉर्डिंग, स्ट्रॉस के अकॉर्डिंग जो है, क्वालिटेटिव रिसर्च जो मेथड है दैट यूज अ सिस्टमेटिक सेट ऑफ प्रोसीजर्स, सिस्टमेटिक सेट ऑफ प्रोसीजर्स टू डेवलप इंडक्टिवली। कैसे? इंडक्टिवली, दैट इज़ द बॉटम अप्रोच एंड इट गोज़ फ्रॉम टू स्पेसिफिक। आपके पास एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, ये एक स्पेसिफिक जो है टॉपिक है, उसके ऊपर आप जनरल तक जाते हैं, राइट? डिराइव्ड ग्राउंडेड थ्योरी अबाउट दैट फिनोमिना। अनदर डेफिनेशन इज ग्राउंडेड थ्योरी इज द स्टडी ऑफ द कॉन्सेप्ट। इट इज़ नॉट अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम। डिस्क्रिप्टिव की हुई प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्टिव स्टडी नहीं है, इट इज़ द कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट की स्टडी है। अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके कि पहले हम कोड बनाते हैं, उसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं, एंड देन वी डेवलप द कैटेगरी, राइट? एंड देन आफ्टर दैट कैटेगरी वी डेवलप अ थ्योरी, एंड इस जो है चेन से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने ये चेन आपको पहले ही बता दी। चलिए आगे भी पढ़ेंगे। ग्राउंडेड थ्योरी जो कॉन्सेप्ट है यूज्ड फॉर थ्योरी जनरेशन। सो इसका जो एक की पॉइंट है उसको भी हमेशा लिख लीजिएगा यहाँ पे। मैं लिख रही हूँ थ्योरी जनरेशन, यानी कि थ्योरी को बनाना इसका एक मेन फोकस होता है, नॉट वेरिफिकेशन। यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं होता है। वेरिफिकेशन का मतलब है जो प्रेजेंटली थ्योरी बनी हुई है उसको वेरीफाई नहीं किया जाता कि वो सही है या गलत है, उसको आगे बनाया जाता है, उसको इनकम्प्लीट को कम्प्लीट किया जाता है ग्राउंडेड थ्योरी में। तो ये कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इट इज़ बेस्ड ऑन, थर्ड जो इसका की पॉइंट है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द इंडक्शन पॉइंट रादर देन डिडक्शन, राइट? रादर देन डिडक्शन। सो इसका एक इंडक्शन पॉइंट है, उसको हमेशा याद रखिएगा कि जो ग्राउंडेड थ्योरी है वो कहाँ चलती है, इंडक्शन पॉइंट पे चलती है, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, व्हेन डू यू यूज़ ग्राउंडेड थ्योरी? हम यूज़ कब करते हैं? व्हेन वी वांट अ ब्रॉड थ्योरी और एक्सप्लेनेशन ऑफ अ प्रोसेस। स्पेशली हेल्पफुल होती है व्हेन करंट थ्योरीज अबाउट दैट फिनोमिना आर ईदर इनएडिक्वेट है, जो हमारे पास कॉन्सेप्ट अवेलेबल है वो इनएडिक्वेट है या नॉन एग्जिस्टेंट है। दिस मेथडोलॉजी इज अप्रोप्रिएट व्हेन लिटिल इज नोन, व्हेन हमें बहुत ही कम जानकारी है किसी फिनोमिना के बारे में, एंड द एम बीइंग टू प्रोड्यूस और कंस्ट्रक्ट एन एक्सप्लेनेटरी थ्योरी। सो वन अनदर इज अ, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सप्लेनेटरी थ्योरी करते हैं। जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी गिवन है उसको एक्सप्लेन करते हैं, वेरीफाई नहीं करते हैं, राइट? वेरीफाई नहीं करते हैं एंड अनकवर करते हैं प्रोसेस को इनहेरेंट टू द सब्सटेंटिव एरिया ऑफ इंक्वायरी। और क्या करते हैं, अनकवर करते हैं। जैसे मैंने एक थ्योरी बनाई, मैंने ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग एक रिसर्च है जो कि इनकम्प्लीट है, या उसमें ऐसे कई सारे पहलू हैं जिन्हें कवर नहीं किया गया है, तो उसको अनकवर किया जाता है। जो उसमें पहलू छिपे हुए हैं उसको यहाँ पे, यानी कि चीज़ को आगे बढ़ाना होता है, ना कि उसी चीज़ पे वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, राइट? नेक्स्ट, वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट, बिकॉज इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस है, और इसमें साइमल्टेनियसली जो है
डेटा कलेक्शन प्लस उसका एनालिसिस चलता रहता है. कंस्ट्रक्टिंग एनालिटिक कोड्स, इसमें एक एनालिटिक कोड्स बनाए जाते हैं, इसमें मैंने आपको पीछे बनाया, कैटेगरीज बनाई जाती है फ्रॉम द डेटा से लेके, नॉट फ्रॉम द प्री कंसीव्ड या लॉजिकली डिडक्टिव हाइपोथेसिस, राइट. यूज़ कॉन्स्टेंटली कंपैरेटिव मेथड, इसमें काफ़ी कंपैरेटिव मेथड्स यूज़ किए जाते हैं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी नोन फैक्ट्स. इसमें ऑलरेडी नोन फैक्ट्स होते हैं तो उनको कंपेयर किया जाता है कि स्टिल देयर फैक्ट्स आर एग्जिस्टिंग इन द एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई एम डूइंग दैट रिसर्च, राइट. सो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो बाय द टाइम चेंज हो जाती हैं, तो वी नीड अ कंपैरेटिव स्टडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. इट एम्ड टूवर्ड्स द थ्योरी कंस्ट्रक्शन, इस की पॉइंट, नॉट द पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेटिवनेस, कि मतलब हम पॉपुलेशन को या अपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसको वेरीफिकेशन की ओर नहीं ले जा रहे हैं या उसको रिप्रेजेंट वापस से नहीं कर रहे हैं. वी आर मूविंग टूवर्ड फॉरवर्ड, वी आर मूविंग टूवर्ड थ्योरी कंस्ट्रक्शन, दिस इज द की पॉइंट हियर. राइट, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स. अब हमने ये सीख लिया कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके और ये व्हेन वी यूज दिस थ्योरी. मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेप्स, कि क्या स्टेप्स हैं जब हम ग्राउंडेड थ्योरी को करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं यहाँ पे. यहाँ 8 को हटा के आप 9 कर लीजिएगा. चलिए, फर्स्ट है पिक अ रिसर्च एरिया. ऑब्वियसली वी नीड अ टॉपिक एंड वी नीड अ टॉपिक एरिया जहाँ पे हमें अपनी रिसर्च को करना है, राइट. नाउ पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर्म अ वन और मोर रिसर्च क्वेश्चन. एक क्वेश्चन चाहिए जिसके ऊपर हमें रिसर्च करना है. कलेक्ट डेटा यूजिंग अ साइंटिफिक मेथड. आपने एक साइंटिफिक मेथड लेना है. लुक फॉर अ पैटर्न, थीम, ट्रेंड्स, रिलेशनशिप, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हमें जो है कॉपी डाउन कर लेना है, यानी कि हमें उसकी ओपन कोडिंग कर लेनी है. ओपन कोडिंग मीन्स होता है वट एवर इंफॉर्मेशन कम्स इन टू आर वे, रिटन डाउन इट, राइट इट डाउन इट एंड उसको कलेक्ट कर लीजिए. ओपन कोडिंग, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है रेलिवेंट है या उस लेस रेलिवेंट है आप उसको नोट डाउन. जैसे आप कहीं जैसे आप जाते हैं फील्ड नोट्स लेने जाते हैं तो आपको कहीं से भी छोटी सी भी जानकारी मिलती है तो आप उसको ले लेते हैं. ऐसे ही ओपन कोडिंग में होता है कि वट एवर इन्फॉर्मेशन कम्स इन टू योर वे जस्ट राइट इट डाउन और जस्ट रिकॉर्ड रख लो उनका, जैसे भी आप उसको रख सकते हैं. फोर्थ आता है राइटिंग द थियोरिटिकल मीमोज. इसको थियोरिटिकल मीमोज ही कहते हैं कि आप छोटे छोटे मीमोज बना लीजिए. मेरे पास एक मेल आया है, मैंने उसको लिख लिया है, या मेरे पास कोई ऐसी बिग इन्फॉर्मेशन आई है जिसको मैंने अपने पास रख ली है अबाउट द कोड्स, राइट. मैंने आपको बताया है पीछे भी स्लाइड में, फर्स्ट आता है कोड, देन वी मेक अ कॉन्सेप्ट ऑन इट. हम उसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं, देन वी मेक अ कैटेगरी, व्हाट आर द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इन फॉर द आर स्टडी, उसके लिए हम कैटेगराइज करते हैं एंड देन वी फॉर्म अ थ्योरी ऑन इट, राइट. ये ऐसे प्रोसेस चलता है. सो हमने जो भी कोड्स हमने कलेक्ट किए हैं उसका एक थियोरिटिकल मीमोज बनाना तैयार किया है दैट इमर्ज करता है फ्रॉम योर डेटा एंड द रिलेशनशिप अमंग द कोड्स. फिफ्थ आता है स्टेप बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव डिस्कवर्ड सो फार. जो भी आपने अभी तक डिस्कवर किया है, फोकस ऑन द मोस्ट रेलिवेंट कोड्स. नाउ हम अब कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं कि हम अब उसमें से जो भी कोड्स हमने कलेक्ट किए हैं उसको हम रेलिवेंट, मोस्ट रेलिवेंट जो कोड्स हैं उनको कलेक्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर रिव्यू कर रहे हैं कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो प्रोसेस कहलाता है सिलेक्टिव कोडिंग. क्या कहलाता है? सिलेक्टिव कोडिंग. नाउ कंडक्ट मोर रिसर्च टू गैदर मोर डेटा. अब हम मोर रिसर्च करें टू कलेक्ट द मोर डेटा. नाउ सिक्स आता है थियोरिटिकल सैचुरेशन. हमने सब कुछ किया, ओपन कोडिंग किया, हमने मीमोस तैयार कर लिए, हमने सिलेक्टिव कोडिंग कर लिया. एक सैचुरेशन पॉइंट आता है जब कोई इंफॉर्मेशन जो है, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इनफ हो जाता है. आई यू गेट माई पॉइंट, कि आपको अब उस जैसे आपके पास एक पर्सन है, एक सोर्स ऑफ पर्सन है जिससे आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, नाउ वो अब वो खत्म हो चुका है, उसके पास और इन्फॉर्मेशन नहीं है, दैट मीन्स उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया है कि अब वो आपको और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा या नहीं या आप उसके पास है ही नहीं कोई इन्फॉर्मेशन, तो वो एक सैचुरेशन पॉइंट आता है. देखते हैं इसकी थ्योरी पढ़ते हैं. थियोरिटिकल सैचुरेशन इज द पॉइंट इन ए ग्राउंडेड थ्योरी एनालिसिस जहाँ पर जो कलेक्टिंग और जो एनालाइजिंग एडिशनल डेटा है डज नॉट टीच यू मोर अबाउट योर टॉपिक, उस टॉपिक के बारे में और आपको टीच नहीं कर पाएगा. विद अ ग्राउंडेड थ्योरी जो डेटा एनालिसिस या जो कलेक्शन है वो इटरेटिवली अंटिल यू रीच द थियोरिटिकल सैचुरेशन. ये पॉइंट जो है, ये जो वर्ड है ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये इटरेटिव, इटरेटिव जो ये पॉइंट है,
इटरेटिव का मतलब होता है रिपीटेटिव। रिपीटेटिव मतलब जो पर्सन, जो सोर्स ऑफ पर्सन था जिससे मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, उसे मैं बार बार इंटेरोगेट करती हूँ, बार बार उसके साथ जाके ऑब्जर्वेशन करती हूँ, तो रिपीटेटिव उसके साथ मेरा वर्क होता है। तो यहाँ इटरेटिवली का मतलब वही होता है रिपीटेटिव रिपरकशन, कि अनटिल यू रीच द थियोरेटिकल सैचुरेशन पॉइंट तक नहीं पहुँच जाती, तब तक मैं उसके साथ जो है काम करती हूँ, उसके साथ जो है आप कहते हैं फील्ड वर्क पर जा रही हूँ, उसका इंटेरोगेशन कर रही हूँ, उसका इंटरव्यू ले रही हूँ। और एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो नो मोर टीच, यानी कि वो अब आपको और चीज़ें या और इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा या नहीं दे सकता है, वट एवर इज़ द पॉइंट। सो दिस इज़ द सैचुरेशन पॉइंट, और ये क्वेश्चन आता है, दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू मोर नाउ। रिव्यू करना है, ऑर्गेनाइज करना है अपने मीमोस को जो आपने इन्फॉर्मेशन ऊपर कलेक्ट कर रखी है, टू अलाउ द डेटा एंड योर ऑब्जर्वेशन को अच्छी एक शेप देनी है। शेप मतलब जो हमने कोड्स बनाए हैं, देखिए पिक्चर अभी मैं आगे भी दिखाऊंगी आपको, ये देखिए जो आपने ये कोड बनाए हैं, ये कोड है, ये रफली कोड्स बनाए थे, मैं फील्ड वर्क पे गई थी तो मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन मिली मैंने फटाफट फटाफट जो है अपने नोटेड डाउन कर ली। उसके बाद मैंने चिट्स बनाए, जो इन्फॉर्मेशन मेरी रेलिवेंट थी मैंने उन्हें कॉन्सेप्ट का रूप देना शुरू किया, कॉन्सेप्ट मैंने लिख लिए, अब उनको मैंने कैटेगराइज किया, मतलब मैंने जो है नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, जैसे कैटेगरी होती है, और ये जो प्लेसेस हैं मैंने इनको यहाँ पे चिट्स जो मैंने बनाई हैं उनको चिट्स को यहाँ प्लेस करना शुरू कर दिया। तो मैंने उनको एक कैटेगरी दी, अब जो भी मेरा नेम से रिलेटेड मेरे पास डेटा है वो एक साइड हो गया है, प्लेस से रिलेटेड जो डेटा है वो एक साइड हो गया है, अब उसके ऊपर मैंने थ्योरी बिल्ड करना शुरू किया, बिकॉज आई हैव अ इनफ प्रूफ, आई हैव अ इनफ डेटा टू फॉर्म अ थ्योरी, राइट। उसके बाद क्या होता है, एट्थ पॉइंट पे आते हैं, आपने जो बनाया है थ्योरी को उसको वापस से रिव्यू करना है ना, एंड देन रिसर्च करना एंड फिगर आउट करना हाउ यू, आपने कितनी जो नई थ्योरी बिल्ड की है इन्हें एग्जिस्टिंग थ्योरी कितनी उसमें फिट हो रही है, एंड देन पब्लिश इट, राइट। हमेशा ध्यान रखिएगा ग्राउंडेड थ्योरी जो होती है वो एक बची कुची थ्योरी को आगे बढ़ाना होता है, राइट। सो इसीलिए उसमें यहाँ आपने अगर पॉइंट में देखा है तो न्यू थ्योरी, जो आपने न्यू थ्योरी बनाई है वो कितनी फिट हो रही है एग्जिस्टिंग थ्योरी में, वो भी आपको देखना है। क्या रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर है, क्या क्या लिटरेचर उससे रिलेटेड ऑब्वियसली जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, एंड देन फाइनली आप अपनी थ्योरी को पब्लिश करते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं यहाँ पे, तो इसको एक बार रिव्यू मैं आपको दे देती हूँ। अगर यहाँ पे जैसे जस्ट यस, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो फर्स्ट जो पॉइंट है, एक बार रिवाइज करते हैं, फर्स्ट आता है ओपन कोडिंग, फर्स्ट आता है ओपन कोडिंग, देन वी मेड अ मीमोस, हमने मीमोस बनाने शुरू किए, देन वी मेक अ सेलेक्टिव कोडिंग, एंड देन एक सैचुरेशन पॉइंट आता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है और नहीं मिलती है या वो अब जो है इनफ हो चुका है। तो ये दीज आर द इंक्लूड, ये आते हैं स्टेप्स में, राइट। सो चलिए नेक्स्ट, ये कोड्स हैं जिस जो मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ, दीज आर द कोड्स। कोड्स क्या होते हैं, जो एंकर है अलाउ करता है की पॉइंट्स को, अलाउ द की पॉइंट्स ऑफ द डेटा टू बी गैदर्ड, जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास आती है की पॉइंट्स की उसको गैदर करना शुरू करता है, कॉन्सेप्ट यानी कि कलेक्शन ऑफ कोड्स, कैटेगरी यानी कि जो है ग्रुप ऑफ सिमिलर कॉन्सेप्ट, जो भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है उसको कैटेगराइज करना टू जनरेट अ थ्योरी, एंड थ्योरी इज द एक्सप्लेनेशन यानी कि कलेक्शन ऑफ एक्सप्लेनेशन दैट एक्सप्लेन द सब्जेक्ट ऑफ द रिसर्च, हाइपोथेसिस बनाया एंड देन उसके बाद एक्सप्लेन कर दिया। सो दिस इज द स्टेप्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स, फर्स्ट जो टाइप है ग्राउंडेड थ्योरी का, दैट इज़ द सिस्टमैटिक डिज़ाइन, बिकॉज एज वी ऑल नो कि जो ग्राउंडेड थ्योरी इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, तो इसमें सबसे पहले आता है ऑब्वियसली ओपन कोडिंग, देन वी मेक अ एग्जाइल कोडिंग, एंड देन वी मेक अ सिलेक्टिव कोडिंग। तो इसमें तीन तरह की कोडिंग को बनाया जाता है सिस्टमैटिक तरीके से, पहले ओपन, देन एग्जाइल, एंड देन सिलेक्टिव। सो उसकी थ्योरी पढ़ते हैं। अ टिपिकल सिस्टमैटिक जो डिज़ाइन है इज कम्पोज्ड ऑफ थ्री स्टेजेस में, लाइक फर्स्ट इज ओपन, एग्जाइल, एंड देन सिलेक्टिव अकॉर्डिंग टू द क्रेसवेल 2012। इन ओपन कोडिंग ग्राउंडेड थ्योरी नीड्स टू आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और फ्रेज और लेबल देम बाई यूजिंग द सूटेबल टर्म्स। All collected data are classified into the corresponding categories. उनको different different categories में जो है क्या किया जाता है, कैटेगराइज क्लासीफाई किया जाता है उनकी corresponding categories में, right? Another one is exile coding.
Open coding, the researcher needs to choose an open category and relate it to the other category. अब उसको आप relate करना शुरू करते हैं. पहले हमने कुछ भी जो था वो collect किया, अब उसको relation बना के एक दूसरे के साथ collect कर रहे हो. And then hypothetical relationship बनाया जाता है to the major category and their corresponding sub categories. एक major category होती है और उनकी sub category, major category उनकी एक sub category in the exile coding. And then theoretical selective coding के which is important for you, आप उसको यहाँ से select कर लेते हो and जो rest of the part है उसको यहाँ से हटा देते हो. तो वो हो जाता है selective coding. Grounded theorists generate theory by interpreting the interrelationship that emerge among the different categories that is formed in the exile coding. Exile coding में जो categories बनाई गई हैं उनके बीच में interrelationship करके उसको interpret किया जाता है and then theory generate होती है. मीमोज भी बनाए जाते हैं. पीछे हमने स्टेप्स में पढ़ा था what is the मीमोज. मीमोज इज अ फील्ड नोट्स जो हम जाके लेते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट इन विच वन लेज आउट देयर ऑब्जर्वेशन एंड इनसाइट. मीमोइंग स्टार्ट करता है विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड कॉन्टिन्यू चलता रहता है राइट थ्रू फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द टेक्स्ट एंड बिल्डिंग थ्योरीज. राइट थ्रू आप फील्ड नोट्स लेते रहते हैं, है ना. आप जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से आपको मिलती है, जैसे मैं अब जो है मेरी जो रिसर्च है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, लेकिन फिर मुझे पता लगता है कि जैसे अब मैं एक अर्थक्वेक पे अपना एक थ्योरी कंडक्ट कर रही हूँ, मुझे पता लगता है एक और जगह पे जो है अर्थक्वेक आया है, तो और जबकि मेरी थ्योरी एंड होने पे आ रही है, सैचुरेशन पॉइंट पे आ रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं अब रिसर्च आपकी फेक हो जाएगी. अब जब आपकी रिसर्च अभी तक पब्लिश नहीं हुई है तो अभी तक का डेटा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा. तो मीमोस में क्या है, आपने फिर से वहाँ जाके फील्ड नोट्स लेना शुरू किया. तो मीमो क्या होता है, राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल एंड, जब तक थ्योरी कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाती है वो मीमोइंग प्रोसेस चलता रहता है. तो इसीलिए यहाँ पे बोला है राइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द टेक्स्ट एंड ऑफ द बिल्डिंग थियोरीज, ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है. नाउ एक एग्जांपल ले लेते हैं. द रिसर्चर यूज कर रहा है परपोजिव सैम्पलिंग. एक रिसर्चर ने परपोजिव सैम्पलिंग लिया है एंड सेलेक्ट किए हैं अपने 16 पार्टिसिपेंट्स को एज अ सैम्पल. डेटा वर कलेक्टेड थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स. डेटाज लिए गए हैं थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स लाइक फील्ड नोट्स, ऑब्जर्वेशन, कंजर्वेशन, कॉन्वर्सेशन विद द टीचर्स, मैप्स. इन सबसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है. उसके बाद है ओपन कोडिंग. ओपन कोडिंग यही हो गया, अपने टीचर से इन्फॉर्मेशन लिया, अपने मैप के थ्रू इन्फॉर्मेशन लिया, इंटरव्यूज़ लिए, फील्ड नोट्स लिए, जाके ऑब्जर्व किया. तो ये ओपन कोडिंग हो गया. उसके बाद देन यू मेड अ एग्जाइल कोडिंग, यानी कि जो रिसर्चर है यूज्ड अ मॉडल टू इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप. एग्जाइल कोडिंग में यू मेड अ रिलेशनशिप, दिस इज़ अ की वर्ड. Emerged among the main category, मैंने आपको बताया था exile coding में क्या होता है, एक main category होती है और उसकी जो है सब categories होती हैं. क्या होती हैं, सब categories. तो first जो है ये relation and then second is जो keyword है that is the relationship. क्योंकि exile coding में भी make a relationship. राइट एंड फाइनली जो है सेलेक्टिव कोडिंग होती है, जहाँ पे हम कोर कैटेगरी वॉज एक्सप्रेस्ड एज अ ग्राउंडेड थ्योरी स्टेटमेंट, नेमली वेटिंग इज बोरिंग समटाइम्स. ये एग्जाम्पल लिया हुआ है, राइट. यस, मूविंग ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी, दैट इज द इमर्जिंग डिज़ाइन. इमर्जिंग डिज़ाइन में होता है कि आपने जो थ्योरी लिए है, जो थ्योरी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसके रीसेंट वाले जो टॉपिक है या रिसेंटली जो सैम्पल है उसको कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले रहे हो. जैसे रॉबसन कहते हैं कि इमर्जिंग जो है स्पेशली सूटेबल होती है टू बी अप्लाइड के लिए, यानी कि जो रियल वर्ल्ड है उससे रिलेटेड सिचुएशन के लिए. एग्जाम्पल ऑफ इमर्जिंग कंडक्टेड बाय लार्सन हैज़ बीन डिस्कस्ड बाय द क्रेसवेल 2012. द एम ऑफ द स्टडी वॉज टू डेवलप द एक्सप्लेनेशन, राइट. ये एग्जाम्पल लिया हुआ है फॉर द हाई स्कूल टीचर्स कंसेप्शन ऑफ द क्लासरूम डिस्कशन. जो हाई स्कूल के टीचर्स हैं उनका क्या, तो ये एक रीसेंट टॉपिक है, एक रीसेंट जो है इमर्जिंग डिज़ाइन है, एक इमर्जिंग टॉपिक है जो आपने ऑन द स्पॉट खड़े होके जो है लिया है. सो इमर्जिंग मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि आपको मैंने बोला कि इसके आगे आपको थ्योरी कंस्ट्रक्ट करनी है, तो आपने और आगे खड़े खड़े, जैसे एक्शन रिसर्च में होता है. द रिसर्चर एग्जामिन द डेटा टू डेवलप द कैटेगरीज. एट फर्स्ट उसने सबसे पहले कैटेगरी बनाई, देन कैटेगरीज वर रिफाइंड इन टू फ्यूअर कैटेगरीज, उसके बाद मोर कैटेगरीज यू मेकअप, एंड देन फॉलोड बाई कंपेयरिंग द डेटा. आपने उस डेटा को जो है कंपेयर करना किससे किया, इमर्जिंग कैटेगरीज से.
आपने पहले क्या किया, सबसे पहले आपने जो बेसिक डेटा है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया, बेसिक जो है इंफॉर्मेशन को, एंड देन यू मेक अ कंपैरिजन। आपने क्या किया, कंपेयर किया किससे, क्या एमर्जिंग इंफॉर्मेशन, एमर्जिंग होती है जो रिसेंटली है, एमर्ज हो रखी है कैटेगरी से, एंड देन लास्टली थ्योरी बिल्ड की गई रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ क्लासरूम डिस्कशन वॉज रिटन विदाउट प्रेजेंटिंग अ डायग्राम, राइट। क्लेसर हैड अ इशू विद अ सिस्टमैटिक, उन्हें सिस्टमैटिक जो डिज़ाइन था वो थोड़ा सा रिजिड और जो है स्ट्रिक्ट लगता था विद द रूल्स एंड प्रोसीजर जो उसमें फॉलो किए जाते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है, स्टेजेस होते हैं समवेयर, जो देखिए पर्सन होता है, कई जो होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप चलना पसंद करते हैं, एंड कुछ लोग होते हैं जिन्हें डायरेक्ट पहुँचना पसंद होता है। तो ऐसे ही ग्लेसर कहते हैं कि जो फर्स्ट जो हमारा सिस्टमैटिक डिज़ाइन था उसमें काफ़ी स्टेप्स, रिजिड और स्ट्रिक्टनेस है, तो उसको इसके बाद उन्होंने इमर्जिंग को जो है इमर्जिंग के डिज़ाइन की तरफ गए थे। तो ग्लेसर प्रोड्यूस टू अलाउ द थ्योरी टू इमर्ज डेटा फ्रॉम, है ना, रादर देन फोर्सिंग द डेटा इनटू प्री कंसीव्ड कैटेगरीज में डिवाइड करना। तो वो कहते हैं कि इमर्जिंग जो डेटा है, जो ऑलरेडी आपके पास प्रेजेंटली इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है उसके ऊपर डेटा बनाइए, क्या ज़रूरत है प्री कंसीव्ड कैटेगरी में बार बार उलझने की। सो ग्लेसर वॉज ऑल्सो फोकस्ड ऑन ए मोर इटरेटिव प्रोसेस, इटरेटिव अप्रोच। इटरेटिव मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या मतलब होता है इसका, एक सिस्टमैटिक, एक रिपीटिटिव, एक रिकर्सिव प्रोसेस है, रिकर्सिव प्रोसेस है इन क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस में। इटरेटिव जो अप्रोच होती है इन्वॉल्व करती है एक सीक्वेंस ऑफ टास्क, क्या होता है ये, सीक्वेंस ऑफ टास्क, राइट, एंड सेम मैनर ईच टाइम वो एग्जीक्यूट करते हो मल्टीपल टाइम्स, तो उसको कहते हैं इटरेटिव अप्रोच, राइट। दिस मीन्स दैट डेटा वॉज कंपेयर टू डेटा, डेटा वॉज कंपेयर टू कैटेगरी, एंड कैटेगरी कंपेयर टू कैटेगरी, तो ये इटरेटिव अप्रोच है जो चलती रहती है। ग्लेसर व्यूड ग्राउंडेड थ्योरी एज अ प्रोसेस ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग टू हायर लेवल। मैंने कहा ना ईच एंड एवरी पॉइंट को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होता है, ईच एंड एवरी पॉइंट को रिव्यू होता है टू जनरेट द थ्योरी, यस। Now the third जो है, that is the constructivist design. That means you are constructing something new. जैसे यहाँ पे है value और belief of the researcher, that constructivist design gave a new interaction between the researcher and participants. And this ongoing interaction will continue रहता है contributing to the data construction. जब तक आपको डेटाज मिल रहे हैं तब तक ये new relationship, new interaction कंटिन्यू रहता है। जैसे इट इज़ यूज टू रिसर्च जो है एक्सप्लोर समथिंग, फॉर एक्सप्लोरिंग समथिंग द एक्सपीरियंस ऑफ क्रॉनिक इलनेस अमंग 20 पार्टिसिपेंट्स। जो रिसर्चर है रिपोर्टेड एंड कैप्चर द पार्टिसिपेंट्स फीलिंग बाय यूजिंग द एक्टिव कोड्स, जैसे कि अवेकनिंग, किस समय पे उठ रहे हैं, एकोमोडेटिंग, किस तरीके से सोसाइटी में एकोमोडेट हो रहे हैं, डिफाइनिंग। सो यू आर कंस्ट्रक्टिंग समथिंग न्यू, इट इज़ समराइज्ड इनटू पार्टिसिपेंट्स एक्सपीरियंस, कंडीशंस, कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये सब जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट डिज़ाइन में आता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ़ वी यूज़ सिस्टमैटिक एंड इमर्जिंग डिज़ाइन, अगर हम जो शुरू के दो अगर यूज़ करते हैं तो हम लोग फोकस करते हैं कॉमन प्रोसेस पे। किस पे फोकस करते हैं, कॉमन जो प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं ग्राउंडेड थ्योरी में, उस पे हमारा फोकस रहता है टू डील विद द थ्योरी। एंड देन इफ़ वी यूज़ कंस्ट्रक्टिविस्ट, लेकिन अगर हम थर्ड वाला यूज़ करते हैं तो वी वुड फोकस ऑन हाउ द मैन फील ड्यूरिंग देयर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस में उसने क्या फील किया है, इसको तवज्जो देते हैं, इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो दिस इज़ द सम, आप ऐसे कह सकते हो कि जो भी हमने 3 अभी जो है टाइप्स पढ़े हैं ग्राउंडेड थ्योरी के, उसका ये सम अप है। चलिए, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस, यस, इट हैज़ अ इंट्यूटिव अपील फॉर रिसर्चर्स बिकॉज इट अलाउज देम टू बिकम इमर्ज्ड इन द डेटा। हम इमर्ज हो जाते हैं डेटा में, राइट, हम लोग काफ़ी डेटा में इंक्लूड हो जाते हैं। रिसर्चर्स हैव टू एनालाइज द डेटा अर्ली, जो पहले का डेटा है उसको भी उसको एनालाइज करना पड़ता है। इट एनकरेजेस द सिस्टमैटिक एंड डिटेल्ड एनालिसिस, यस इट हैज़ टू फॉलो द डिटेल्ड एनालिसिस। देन रिसर्चर यूज्ड एम्पल एविडेंस टू बैकअप देयर क्लेम,
कि जो भी एम्पल उसके पास इंफॉर्मेशन है प्रीवियस वन की या रिसेंट वन इंफॉर्मेशन की, उसको उसका क्या करना पड़ता है, बैकअप लेना पड़ता है. कॉन्स्टेंट जो है इंटरप्ले चलता रहता है बिटवीन डेटा एंड एनालिसिस. येस, जैसे कि मैंने आपको बोला, दिस इज़ द वेरी दिस इज़ अ साइक्लिकल प्रोसेस है एंड साइमल्टेनियसली डेटा कलेक्शन प्लस एनालिसिस चलता रहता है. तो वहाँ पर कॉन्स्टेंटली जो है इंटरप्ले, यानी कि पहले अपने डेटा कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया, फिर डेटा कलेक्ट किया, फिर उसको एनालाइज किया, तो ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है. एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इटरेटिव अप्रोच. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड, जस्ट वेट इट क्लियरली, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ इटरेटिव, ITERATIVE अप्रोच. ये लास्ट स्लाइड में भी हमने पढ़ा था, जो अभी इस टाइम पे स्लाइड देख रहे हैं वो लास्ट वाली जो है स्लाइड पे देख सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज इज़ यूजफुल टू डिस्क्राइबिंग द रिपीटेड प्रोसेस. जो भी आपने प्रोसेस को रिपीट कर रहे हो उसको क्या डिस्क्राइब करना वेरी यूजफुल हो जाता है. अब इतना बार बार आप करेंगे तो उसके बाद डिसएडवांटेजेस तो ऑब्वियसली आप जज कर पा रहे होंगे कि इसमें क्या होता है, ओवरवेल्ड एट द कोडिंग लेवल. ठीक है, एंड कोडिंग जो है इट्स टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्केल अप टू ए लार्ज कॉन्सेप्ट. यस, सबसे पहले आता है यहाँ पे लार्ज कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर ग्राउंडेड थ्योरी करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बिकॉज यहाँ पे इटरेटिव अप्रोच होती है, बार बार रिपीटेटिव रिकर्सिव आपको जो है इंफॉर्मेशन को, डेटा कलेक्शन एनालिसिस साइड बाई साइड दोनों चलता रहता है, तो वेरी टाइम कंज्यूमिंग, वेरी टायरसम. तो इसलिए हम इसमें क्या लेते हैं, एक लोअर लेवल पे इस थ्योरी को कंडक्ट करते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी डिटेल्ड मेथड है, इट कैन बी डिफिकल्ट टू सी द बिगर पिक्चर. सो ओनली बिकॉज इज दिस जो है ड्रॉबैक, हम ग्राउंडेड थ्योरी को लोअर लेवल पे ही करते हैं, बिगर पिक्चर के लिए यूज़ नहीं कर पाते हैं. सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं. Which of the following is not a tool of grounded theory? Not a tool. First, theoretical sampling, coding, external validity, or constant comparison. Constant comparison. अभी हमने पढ़ा ये theory, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं. तो इसमें से बताइए which is not the tool. So आप इसमें पॉज करके अपना आंसर चूज कर सकते हैं. मैं आगे चलती हूँ. राइट आंसर इज सी, एक्सटर्नल वैलिडिटी. एक्सटर्नल वैलिडिटी इज नॉट द टूल ऑफ ए ग्राउंडेड थ्योरी. हमने थ्योरेटिकल सैम्पलिंग भी करते हैं, इसमें कोडिंग बनाते हैं, कॉन्स्टेंटली कंपेरिजन करते रहते हैं, बट एक्सटर्नल वैलिडिटी नहीं है. येस, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर फॉर यू. फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.